तमाम विधायकों हिरासत में लैके बस के बिठा के इसे थाने के लिया गया है। साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि परचा दर्ज हो गया है उन्होंने खिलाफ, तो उस तो बाद हुण शायद इसे थाने के ही उन्होंने रात भी बितानी पै सकी। वो असी लखीमपुर जा रहे थे सिर्फ उन्होंने परिवारों को मिलने वास्ते, किसानों नाल तशद्दुद होया तो उन्होंने कतल किया। सानू यू हरियाणा पुलिस ने सानू उतों आन देता, परंतु यूपी पुलिस ने सानू इत्थे रोक लिया। वो कहिंदे नहीं असी जान दिंदे, जिन्ना चिर असी अगे नहीं जाते उन्ना चिर असी मुड़ा गए नहीं। प्रधान जी ने कहता, सिद्धू साहब ने भी, मैं अगे जाने ही जाना, मैं जिन्ना चिर वो परिवार को नहीं मिलता सी पिछे नहीं हटांगे। जिस तरीके गड्डी दलड़ दिता गया, समझदा भी साढ़े जो केंद्र दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जिहदे मुखी श्री नरेंद्र मोदी जी आ, वो अपनी हठधर्मी कारण यह सारा माहौल बिगाड़ रहे हैं। हुण पंज बंदियां ते भी नहीं सहमत हो रहे भी उन्होंने अगे जाने वास्ते, पंज बंदियां दा भी असीं कह चुके हां भी पंज जणे जाणन सिद्धू साहब दे नाल प्रधान जी दे नाल, पंज बंदे जाने वास्ते भी उन्हों भी कह रहे भी 144 लगी आ, पंज चार बंदे वास्ते 144 नहीं हुंदी। इस वक्त असीं सहारनपुर के सरसावां थाने के बाहर मौजूद हाँ, जिथे नवजोत सिंह सिद्धू और उन्होंने समर्थकों हिरासत के लिया है। तस्वीर तुम दिखाने की कोशिश करते हैं, अंदरले पास देख सकते हो इस वक्त तमाम पुलिस फोर्स जी मौजूद हैगी है, तो अंदर जड़े ने आगू जड़े ने उन्होंने हिरासत के लिया हुआ, तो लगातार गलबात भी चल रही है, तो असं कोशिश करा कुछ आगुओं के गलबात करने की। अज नवजोत सिंह सिद्धू अपने साथियों के समेत समर्थकों के समेत अच्छ कोशिश कर रहे थे इतों यूपी वालों कूच कर जाके सीधे तौर पर जोड़े दोषी ने उन्होंने खिलाफ वही कार्रवाई करने की अपील कर सकन, क्योंकि सीधे तौर पर भी गल मांग की गई थी। साफ तौर पर मांग कर रहे थे कि जिस तरीके के हालात बने हुए ने तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जी की जानी चाहिए है, जिन्ना चक्कर कार्रवाई नहीं होंगी उन्ना चक्कर इस तरीके विरोध जोड़ा आ लगातार जारी रहेगा। तो इस वक्त तस्वीर ने सहारनपुर के सरसावा पुलिस स्टेशन दियाँ, जिथे तमाम नवजोत सिंह सिद्धू अते होर विधायक जड़े ने हिरासत के ले गए ने, ते इतों हुण अगली कार्रवाई जी की जानी है। तो कोशिश करा असी कुछ आगुओं के गलबात कर जो पता लग सके कि अंदर के हालात की ने। इस वक्त तो लगातार इतने तुम देख सकते हो इस वक्त काफ़ी हलचल नज़र आ रही है, तो कुछ आगुओं भी गलबात करने की कोशिश करा, क्योंकि सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू का कहना सी पहला जिस तरीके प्रियंका गांधी हिरासत के लै गया से, उन्होंने नहीं जान दिता जा रहा सी बाहर, तो उस तो बाद इस वक्त जे असी गल करिए उस तो बाद उन्होंने कहा कि जे सख्त कार्रवाई नहीं होंगी तो असी वड्डे काफले दे नाल यूपी वाला कूच करांगे। तो उही तस्वीर ने इस वक्त पुलिस स्टेशन दियां जिथे नवजोत सिंह सिद्धू इस वेले हिरासत दे विच ले गए ने। तमाम आगू जिहड़े ने राजा वड़िंग की गल कर लीए, राजकुमार चब्बेवाल की गल कर लीए, साधु सिंह धर्मसोत की गल कर लीए, इस तो इलावा होर भी बहुत सारे सुरजीत मान की गल कर लीए, नाल दी नाल होर भी बहुत सारे आगू प्रगट सिंह की गल कर लीए, तो तमाम आगू अंदर ने क्योंकि हालात जिहड़े सीधे तौर पर ने उन्होंने जदों जिक्र करते हैं असी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जे मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो सीधे तौर पर वड्डा एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस की जिहड़ी सारी पार्टी हैगी आ, जिहड़े लोग ने जिहड़े आगू ने वो कूच करनगे यूपी वल्लां, पर उन्होंने उस तो पहला ही इत्थे बॉर्डर ते ही हिरासत दे विच लै लिया गया। एक बार फिर तस्वीरां तुहानूं दिखाईए, तो तमाम आगू जिहड़े इस वक्त अंदर मौजूद ने हिरासत दे विच ले हुए ने, तो सीधे तौर पर एक वड्डी चीज़ जिहड़ी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लंबा समा हो गया हाले उस घटना नूं वापरिया, पर हिरासत दे विच नहीं ले गए दोषी, तो इस करके विरोध जिहड़ा कांग्रेस पार्टी दे वल्लों लगातार किया जा रहा। तो इस वक्त असी सहारनपुर दे सरसावा थाने दे बाहर मौजूद हाँ, जिथे नवजोत सिंह सिद्धू अते उन्हां दे साथी जिहड़े ने गिरफ्तार करके अंदर रखे गए ने हिरासत दे विच लै ले गए ने। तो इस वक्त ये भी हुण अंदरों जिहड़ी खबर आ रही थी साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि परचा दर्ज हो गया हैगा उन्होंने खिलाफ, तो उस तो बाद हुण शायद इसे थाने दे विच ही उन्होंने रात भी बितानी पै सकती है। इस वक्त तुसीं तस्वीरां देख सकते हो बाहर बहुत सारे लोग मौजूद ने, माहौल क्योंकि इस तरीके जिस तरीके इत्थे पुलिस की तैनाती की गई, तो वड्डी गिणती दे विच लोग जिहड़े ने कुछ नवजोत सिंह सिद्धू नूं जानकार ने, नवजोत सिंह सिद्धू दे जानकारी रखते हैं, तो उन्होंने भी मिलन आए हुए हैं। तो तुम तस्वीर अंदर लिए एक बार तुम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो अंदर हलचल लगातार चल रही है, तमाम आगू तमाम विधायक जड़े ने अंदर कांग्रेस के मौजूद ने, परचा दर्ज करने दी खबर अंदरों आ रही ने कि शिकायत दर्ज हो गई है, हुण उस हिसाब नाल शायद उन्होंने इत्थे ही रात बितानी पवे, तो उस तो बाद अगले
प्रोग्राम की होगा ज किस तरीके सहमति बनती है इतों अगे किमें ले जाना तो पुलिस के सीनियर अधिकारी तुसी देख सकते हो अंदरों बाहर निकल रहे हैं। तो इस वक्त जोड़े लोग ने सीधे तौर पर विरोध कर पहुंचे थे उन्होंने हिरासत के लिया हुआ है इसे थाने के अंदर। तो नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थकों के नाल तुहानू बस भी दिखा दें, इस बस के अंदर तमाम आगुआ बिठा के अंदर लिया गया। तो यदि एक वीडियो भी थोड़े ना असी साझी की कि किस तरीके साफ तौर पर राजा वड़िंग ने वीडियो बनाई सी, तो साफ तौर पर कह रहे थे असं तो इंसाफ मंग रहे हैं पर प्रशासन का रवैया जोड़ा निंदनयोग हैगा, विरोध लगातार जारी रहेगा जिन्ना चिकर दोषियों के खिलाफ वड्डी कार्रवाई नहीं होंगी, दोषियों के खिलाफ एक्शन नहीं होंगे। तो तुम देख सकते हो थाने के अंदर हलचल नज़र आ रही है, लगातार सीनियर अधिकारी भी मौजूद ने। तो तमाम विधायकों हिरासत में लैके बस के बिठा के इसे थाने के लिया गया है। जे असी उन्होंने समर्थकों की गल करिए नवजोत सिंह सिद्धू के तमाम समर्थक जोड़े ने वह हाले भी थाने के बाहर ही खड़े ने। तो लगता शायद हूँ इतों तो उन्होंने लिए सीधे तौर पर कुछ खाने के लिए रसद भी लिया जा रही है शायद आगुआ के लिए। तो सारा जोड़ा काफिला सगा वो बॉर्डर पर ही रोक लिया गया, उन्होंने अगे नहीं आन दिता गया, पुल के उपर ही बहुत सारे उन्होंने समर्थकों दिया गड्डिया खड़िया ने। तो उतों रस्ता पूरी तरह जाम करके बंद कर दिता गया, जितों तमाम कांग्रेस के आगू जोड़े से उन्होंने अगे नहीं आन दिता गया। तो ये तस्वीर ने इस वक्त सहारनपुर के सरावा थाने दियाँ जिथे सीधे तौर पर सरसावा थाने दियाँ जिथे इस वक्त तमाम आगू जोड़े ने तमाम विधायक जोड़े ने उन्होंने हिरासत के लिया हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू भी ने ते नाल दे नाल बाकी तमाम विधायक भी कांग्रेस के मौजूद ने, मंत्री साहबान मौजूद ने। तो सीधे तौर पर एक ही मांग के जिहड़ी यूपी दे विच घटना वापरी है लखीमपुर घटना जिहड़ी वापरी है उस दे विच दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन किया जाए, तो जो एक एग्जाम्पल भी सैट हो सके कि इस तरीके दी घटनावां जिहड़ियां ने उन्होंने ठल पै सके। तो इस वक्त तुसीं तस्वीरां अंदर देख सकते हो पवन गोयल तुहानू नज़र आउंदे होणगे, पवन गोयल नज़र आउंदे होणगे क्योंकि वह भी नाल ही आए सीगे। तो इस वक्त असी कोशिश करांगे उन्हां दे नाल गलबात करन दी तां जो उन्हां तों पुछ सके कि अंदर की चल रहा हैगा इस वेले। तो इस वक्त तुसीं देख सकते हो पवन गोयल ने, गोयल साहब की चल रहा हैगा अंदर, कि परचा दर्ज कर लिया गया कि इत्थे बितानी पवेगी रात नवजोत सिंह सिद्धू ते बाकी तमाम आगुआं नूं? पहलां तां तुहानूं सारे दोस्तां नूं पता भी असी पंजाब प्रदेश दे सदे दे उत्ते सारे पंजाब दे मिनिस्टर्स MLAs और असी जो कांग्रेस पार्टी दे अहुदेदार हां वो असी लखमीरपुर जा रहे थे सिर्फ उन्होंने परिवारों मिलने वास्ते जिन्हों के उत्ते उत्थे उस परिवारों नाल किसानों नाल तशद्दुद होया तो उन्होंने कतल किया, सिर्फ उन्होंने हमदर्दी प्रकट करने जा रहे थे। सानू यू हरियाणा पुलिस ने सानू उत्थों आन देता परंतु यूपी पुलिस ने सानू इत्थे रोक लिया, वह कहिंदे नहीं असी जान दिंदे ते असी बजद सीगे भी असी कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, कोई धरना नहीं देना, कल्ले परिवारों नूं मिल के आवांगे। अंदर अंदर की गलबात हो रही है, तमाम विधायकों अंदर बिठाया गया? वो इसे तो साढ़े उन्होंने FIR दर्ज कर ली, साढ़े जोड़े बंदे सीगे तो गलबात हो रही है, देखते हो कि कहिंदे सानू इहदे बारे। अरैसट पा ली गई है, हुण इत्थे रात बितानी पै सकदी है? ये तो हुण अपने पुलिस वाले दसणगे ना जी, असीं तां दस नहीं सकदे, असीं तां शांतिपुर गां जा रहे सी। साहब किदां ये जिहड़ा वर्तारा है इहनूं किस तरीके नाल देखदे हो तुसीं? आप तौर ते शाम साफ तौर ते कह रहे हो कि शांतिपूर्वक ढंग दे नाल उत्थे जा रहे सी परिवारां नूं मिलण कि हमदर्दी प्रगटाई जा सके ते नाल दी नाल दोषियां नूं गिरफ्तार किया जा सके, जिहड़ा वर्तारा सैट किया जा रहा है कि मिलण भी नहीं दिता जा रहा, जिहड़े सियासी लोग पहुँच रहे ने उन्हां नूं भी नहीं पहुँचण दिता जा रहा, इस वर्तारे नूं किवें देखदे हो? बहुत मंदभागी गल है जी, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इत्थे हर इंसान नूं हक है अपनी आवाज़ बुलंद करन दा, किसी नूं मिलन दा, किसी भी जगह जान दा शांतिपूर्वक। जिहड़ी दोषियों खिलाफ एक्शन लेना हैगा उह च देरी बड़ी हो रही है, एतवार की घटना वापरी है तो 4-5 दिन हो गए ने, तो लगता नहीं कि एक्शन हो जाना चाहिए सी, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए सी जे FIR दर्ज कर ले? इसे करके तो असं जा रहे हैं जी, इसी करके जा रहे हैं भी दोषियों नूं सज़ा मिले, लोग जिहड़े साडे किसान मारे गए उन्होंने इंसाफ मिले, ऐसे करके तो जा रहे थे, नाल असी संदेवना प्रकट कर जा रहे थे, होर तो साडा कोई काम ही नहीं। लगता कि उत्थे हुण सियासत भारू हो रही है इस पूरे मसले पर जिस तरीके गड्डी दरड़ दिते गए? मैं समझदा भी साडे जो केंद्र दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जिहदे मुखी श्री नरेंद्र मोदी जी आ वह अपनी हठ धर्मी कारण यह सारा माहौल बिगाड़ रहे ने, उन्होंने जिहड़ियां साडे किसानां दीआं काले कानून ते इन्हां नूं वापस लै लेने चाहीदे आ तां जो सारे हिंदुस्तान के अमन से शांति होवे। साडा जिहड़ा किसान है पंजाब का ये केवल पंजाब का नहीं हिंदुस्तान का अन्नदाता कहा जाता, लगभग एक साल तो वह सड़कों पर रोल रहा, किड्डा वड्डा साडा आर्थिक नुकसान हो रहा, तो उल्टा वो वापस का की लेने से होर तशद्दुद कर रहे, यह माड़ी गल आ।
इस वक्त तुसी देखिया पवन गोयल बाहर आए थे, साफ तौर पर कहा कि उन्होंने परचा दर्ज कर लिया है, हो सकता कि इसे थान से नवजोत सिंह सिद्धू और उन्होंने नाल के जिहड़े तमाम समर्थक सिगे जां विधायक जिन्हां नूं हिरासत विच लिया गया तो इत्थे ही रात भी बितानी पै सकती है। पर नाल दी नाल ये भी कह के गए हैं कि गलबात चल रही है, शायद उस गलबात दे विचों कोई सिट्टा निकल आवे। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके नाल एक निराशा उन्होंने प्रगट की है कि असी तो सिर्फ वो परिवारों के नाल संवेदना प्रगट कर चले सके जिहड़े सीधे तौर पर असी कह लीए कि उस घटना के शिकार होए जिन्हां दीआं जानां गईआं, ते नाल दी नाल ये मंग कर चले सके कि दोषियों खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए ता जो एक एग्जाम्पल भी सैट हो सके कि इदां दी जे घटना किसी भी देश दे विच किते भी हुंदी है ता उहदे उपर सख्त कार्रवाई भी होगी। पर नाल दी नाल चिंता की गल ये कि इदां दी ही एक घटना हरियाणा दे विच भी सामने आई जिसने बहुत सारे सवाल पैदा कर दिते कि आखिरकार ये सिस्टम किस तरीके नाल चल रहा हैगा ते किस तरीके दीआं घटनावां लगातारता दे विच वापर रही ने। तुसी अपने कीमती सुझाव साडे नाल जरूर सांझे करो। तो इस वक्त तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं फिर एक बार कि किस तरीके के हालात बने हुए ने, तो अंदर लगातार चर्चा चल रही है। गोरा जी किस तरीके नाल देखदे हो ये जिहड़ी घटना वापरी हुण उस तों बाद तमाम आगू नूं तुहाडे नूं इत्थे हिरासत दे विच लै के अग्गे भी कार्रवाई पा दित्ती गई, FIR दर्ज कर दित्ती गई है, लगता कि सीधे तौर पर धक्केशाही हो रही है? देखो इदू धक्केशाही की होगी, जिद्दे किसानां नूं कुचलिया उद्दे तां पुलिस लाई नहीं, उद्दे तां उहनां नूं रोक नहीं सके। अज सानूं रोकण वास्ते नेता वास्ते जिहड़े लोग साडे जा रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू साडे मंत्री MLA साडे कांग्रेस पार्टी के नेता सारे किसान जा रहे थे हजारां, अज कोई घट तो घट 10,000 के काफला गड्डियां दा आ रहा सीगा, उन्हां नूं रोका गया। क्यों रोकया गया? क्योंकि ये अगे इलैक्शन आ रही है, इलैक्शन तो डरती है भी कि जो योगी सरकार है मोदी नूं डर है भी ये आने वाले टाइम के साडा सुखड़ा साफ हो जूगा, क्योंकि एड्डी मंदभागी गल एक साढ़े चार किसानों कुचल दे एक मंत्री का मुंडा तो उन्होंने हजे तक अरैसट नहीं किया, प्यो ने वो मंत्री ने अजे तक रिजाइन नहीं दिता तो सानू फड़ के अंदर करता। असी अज 15 बंदे असी जिहड़े हैगे प्रधान जी नाल MLA मंत्रीज नाल जिहड़े हैगे साडे पार्टी के जनरल सैकटरी सारे उन्होंने अज इत्थे 15 बंदे अरैसट कर लिया, तो हजे तक वो कह रहे भी कोई दस नहीं रहे भी अगे जान दिता जाऊ, पर असी अड़ हैं जिन्ना चर असी अगे नहीं जाते उन्ना चर असी मुड़ा गए नहीं। प्रधान जी ने कहता सिद्धू साहब ने भी मैं अगे जाने ही जाना, मैं जिन्ना चर वो परिवार को नहीं मिलता सी पिछे नहीं हटांगे। प्रशासन जिहड़े हुण अधिकारी ने हिरासत दे विच लिया जां गिरफ्तार किया, तुसीं दस रहे हो कि 15 बंदे खिलाफ़ FIR भी दर्ज कर ली गई, कि वो कोई गलबात कर रहे हैं कि अगे जाण दित्ते देण दी परमिशन बारे कोई चर्चा चल रही है? देखो वो प्रशासन इत्थों दा कह रहा भी तुसीं वापस चले जाओ, पर सिद्धू साहब साडी जिहड़ी साडी पूरी सीनियर कांग्रेस है वो नहीं वापस जाऊगी क्योंकि असी आई अगे जाण वास्ते हैं, इस करके वह बार बार इस चीज़ नूं मना रहे हैं। सिद्धू साहब कहिंदे भी जां असी इत्थे रहांगे जां सानूं अगे जाण दित्ता जावे, ये पूरा जिहड़ा जबर जोर जिहड़ा ये अंग्रेजां दी सरकार नूं भी भैड़ी सरकार, UP दे विच कोई कानून नहीं, बाकी सारे हिंदुस्तान दे विच कानून हैगा पर UP दे विच कोई कानून दा कायदा नहीं कोई भी नहीं, क्योंकि साडी नेता प्रियंका गांधी नूं पहलां अंदर रखिया बिना गल तों, राहुल गांधी जी नूं 6 घंटे उत्थे ते चन्नी जी नूं अरैसट करके रखिया एयरपोर्ट ते, जो 5 बंदिआं नूं हुण 5 बंदिआं ते भी नहीं सहमत हो रहे भी उहनां नूं अगे जाण वास्ते, 5 बंदिआं दा भी असीं कह चुके हां भी 5 जाण सिद्धू साहब दे नाल प्रधान जी दे नाल 5 बंदे जाण वास्ते भी उन्होंने भी वे कह रहे भी 144 लगी है, 5-4 बंद 144 नहीं होंगी उस तो वध होंगी, चलो असी मान लिया 144 लगी, उन्होंने भी नहीं जान दिता जा रहा, इदों वड्डा जुल्म कदों होगा, क्योंकि उन्होंने यही इन्हों का जो है इतों तक ADGP रैंक के इतने अफसर बैठे है बार बार इसे गलते ही सानू जो है जोर दे रहे हैं भी तुम वापस चले जाओ, पर एक ही असी गलते हैं भी असी नहीं वापस जावे जिन्ना चिर वो परिवार ना हमदर्दी प्रगट नहीं करते, क्योंकि एक तो सानू कुट लिया सानू मारता एक सानू रोन भी नहीं देंगे सानू अफसोस भी नहीं कर दिता जाता, इदों माड़ी भैड़ी की होगी जो किसानों नाल मोदी सरकार हमेशा ही किसानों के अगेंस्ट रही है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री से मोदी उदों भी किसानों नूं उजाड़िया सी हुण भी किसानों नूं उजाड़िया, पर साडियां लाशां दे उत्ते बह के राजनीति हो रही है असी ये होण नहीं देवांगे। तमाम तस्वीरां तुसीं देखियां साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू हाले भी इसे गल्ल ते अड़े हुए ने कि सानू अगे जाण दिता जाए, तस्वीरां तुसीं देख सकते हो तमाम आगू जिहड़े ने नज़र आ रहे होणगे, प्रगट सिंह भी इत्थे तस्वीरां नज़र दे विच नज़र आईयां सीगियां, प्रगट सिंह भी बाहर आए सीगे, तां बहुत सारे आगू ते विधायक जिहड़े ने उहनां नूं अंदर ही रख्या गया हैगा, पुलिस दे वल्लों FIR दर्ज कर दित्ती गई है 15 आगूआं दे खिलाफ। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू साफ तौर पर यह भी डिमांड कर चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अते 4-5 विधायक होर जिहड़े ने उन्होंने भी अगे जाण दिता जाए, पर उन्होंने भी अगे नहीं जाण दिता जा रहा। तो सामने तस्वीरों के राजा वड़ेंग ते प्रगट सिंह नज़र आते होंगे तुहानू आपस दे विच गलबात कर रहे हैं, पर चिंता की गल है साफ तौर पर इतों एक गल साफ निकल के सामने आ रही है कि किसी भी आगू नू अगे जाण नहीं दिता जा रहा, पुलिस के वलों साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि तुसीं इतों ही वापस चले जाओ, जिहड़ा माहौल है क्योंकि उत्थे धारा 144 लगी हुई है UP दे विच लखीमपुर वाली घटना तो बाद, इस तो बाद उन्होंने साफ तौर पर यही हिदायत की जा रही है कि तुसीं इत्थों वापस चले जाओ, अगे जाण दी परमिशन असीं नहीं दे सकते। पर नवजोत सिंह सिद्धू साफ तौर पर कह रहे हैं कि असीं अगे हर हाल दे विच जाणा हैगा, तां इह तस्वीरां ने तुसीं इत्थे थाने दे विच असीं बाहर खड़े हाँ तो लगातार
अंदरों जी खबर यही आ रही है कि एफ आई आर दर्ज कर ली गई है। तो ये जे आगू ने तमाम इन्हों इतों अगे नहीं जान दिता जा रहा, तो सीधे तौर पर चिंता प्रगटा के गए हैं। तमाम आगुओं के गलबात भी करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि असी तो सिर्फ उस परिवार के नाल संवेदना प्रगट कर जा रहे थे जिन्हों की मौत हुई है, तो एक मंग करनी सी कि जिहड़े हालात बने ने उन्होंने साफ तौर पर चिंता की गल है कि दोषियों हाले तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, गिरफ्तार किया जाए। तुसीं इस बारे की सोचते हो, अपने कीमती सुझाव जरूर सांझे करो। सहयोगी सुखविंदर के नाल हरदीप सिंह भोगल, स्पोक्समैन टीवी उत्तर प्रदेश।